क्या हुआ? वो आपने बताया नहीं था जब आपसे वहां मिले थे आपके दूसरे स्थान पर, तो बाबा आपने कहा था भूत को मारना होगा, तो हम लोग वही पुराने जंगल में गए थे उसे मारने के लिए। इससे मारा था भूत? बाबा वहां पे कुछ कुल्हाड़ी ऐसी पड़ी थी उससे मारा। नहीं, बहुत शक्तिशाली है भूत। बाबा वो मर गया था वहां पे? नहीं मरा होगा, बहुत शक्तिशाली है वो। जिससे तारी मरेगा वो मरेगा एक खंजर से, उसका मैं पता बताता हूँ। बाबा मेरे पहले दोस्त दोस्त का कुछ करिए, पहले तुम्हारे दोस्त को देखता हूँ। बाबा कुछ चमत्कार करिए ठीक हो जाए। आज तो चल रही है अभी। ओम नमः शिवाय। सब उठो। मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ था बेटा? मुझे कुछ याद नहीं। तो बाबा उस भूत को कैसे मार सकते हैं, वो तो अमर हो गया बेटा। तीन सकते हैं वही आपको बचा सकते हैं। आप बाबा उनके तक कैसे पहुंचे, उनका कोई नाम पता? उनका नाम पता बेटा मैं देता हूँ। रिहान नाम है एक सत का, और दूसरा बच्चा है रॉकी, और तीसरा शख्स है कबीर। तो बाबा बाबा उन तीन शख्स के पास कैसे पहुंच सकते हैं? वो तो बेटा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक शख्स ऐसा है वो आपको मंडी बाजार में मिलेगा। उसका नाम डैनी है, उसी से पता चलेगा वो तीनों शख्स कहाँ रहते हैं। तो उसका नाम डैनी जेब खतरा। बाबा चोर है वो? बेटा चोर क्या, पेट के लिए कुछ भी कर सकता कोई। ठीक है बाबा, तो उसके पास जाएंगे, आपका बाबा नाम बता देंगे, कह देंगे आपने भेजा है। जा बच्चों, बहुत टाइम हो चुका है, उसको ढूंढना चल। अब मेरा तपस्या का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। बाबा आशीर्वाद दे दिए हम लोग इस कामयाब हो सके इस मंदिर में। कहाँ चलना है? चलो चलते हैं। और कितनी दूर बची? जंगल बहुत बड़ा है, मत देखो। नहीं पहचाना नहीं मुझे। कौन डैनी भाई? कौन कतरा बे? मैं भिंडी बाजार वाला। अबे मेरा भाई कहाँ था तूने दिन से बे? तू चोरी करने गया था। चोरी उरी नहीं किया कर? ये कौन है बे? ये हमारा दोस्त है। ओ भाई और सब हाँ भैया मिलने आए थे भाई आपसे भाई। जरूरी भाई काम। क्या हुआ, काम क्या पड़ गया भाई? इसमें मेरा भाई मर चुका है। कैसे? उसे काकोली भूत बंगले में मार दिया। मैं बहुत दूर से आया हूँ आप लोग की तलाश में। कबीर और रॉकी कहाँ मिलेंगे? वो लोगों को तो पता, मेरे को मालूम है। मैं वैसे ये बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ बहुत ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे कोई अकेले नहीं। आप बताइए डैनी मेरा दोस्त था। डैनी भाई ने बताया लेके आ गया बाजार में, जो चोरी करते हुए पकड़ा था। चलो ठीक है, ढूंढते हैं उन लोगों को। चलो भाई चलते हैं। फिर को क्या हुआ? बीड़ी जला ले भाई थोड़ी। चल जला ले बीड़ी। पीता है चल, कैंसर का तेरा इलाज करवा दूंगा अगर हो जाएगा। मेरा नाम क्या है? रेहान। सरदार, वो सरदार कोई मिलने आया है। मिलने आया रेहान, मेरा दोस्त। क्या हाल है? तोड़े बजा जाता हूँ सरदार। डैनी जब कतरे और भाई क्या भैया? भाई आपसे काम मेरा भाई काकुड़ी भूत बंगले में मार दिया गया। नहीं भैया, मैं आप लोग की कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा काम मैंने छोड़ दिया। मैं बहुत दूर से आया हूँ। आई थिंक प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। क्या
क्या बात है रिहान, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट काम है यार, लोगों की मदद करना चाहिए। ये लोग परेशान काफी दिखाई दे रहे हैं यार, अपने लोगों के पैर भी एक हादसा ऐसा हो, मेरा पूरा बिजनेस तबाह हो गया है। वो भूत हमें कहीं कुछ जाने नहीं दे रहा है। कौन सा भूत, ऐसा कौन सा भूत है रिहान? वो अमर हो गया, उसे एक बार हमने और मेरे दोस्त ने लकी ने मिलकर मार दिया था। वो पता नहीं कैसे फिर से जिंदा हो गया है और अब वो हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, काम में तुम्हारी मदद करते हैं। क्यों क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए कबीर को भी ढूंढना पड़ेगा। कबीर कहाँ पे मिलेगा? अरे कबीर को तो ढूंढ लेंगे हम लोग, वो अपने ही बंदा है, टेंशन ना लो। वैसे आप लोग इतने घने जंगल में रहते हैं, बहुत थका दिया हमें। ये डैनी भाई मिले थे वहाँ जेब? ये तो साला जेब कतरा है, ऐसा कब से समझा रहे भैया, तो सुधार जाए। लेकिन भैया कहता मैं नहीं सुधरूंगा। और कहता है मालूम क्या, सब लोग खाने के लिए चोरी करते हैं, ये बीड़ी के लिए चोरी करता है। क्यों बे? मैं बच्चा अपना। रही बात जंगल की, यहाँ तो पैदा ही हम हुए हैं। जैसे मछली को पानी में अच्छा लगता है, वैसे हमको जंगल में अच्छा लगता है। चलो आप चल रहे हैं। और कैसा ना हुआ? और अरे मैं समझाता हूँ कबीर, इनको भूत के भूत को मारने के लिए इनको मदद चाहिए। ठीक है, इसी में एक भाई जाया होगा, तुम्हारा भी भाई जाया होगा। ठीक है, अब हम सब लोग तो फिर हमारी आपकी बात एक सेम हो गई। आपकी भी दुश्मनी मेरी भी दुश्मनी, और वो भूत हमारा हो चुका है। कोई नहीं मार सकता सिर्फ हम तीनों के अलावा। ठीक है, मारना होगा तो हम तीनों को मारना होगा, मरना होगा भूत नहीं मर सकता। ठीक है ना? ऐसा क्यों? ऐसा ही कुछ है। अब उसको मारने का रीजन कल है, अमावस वाले दिन वो मरेगा, और कोई दिन मर भी नहीं सकता। तो उसके लिए खंजर है शक्तिशाली, तो त्रिकाल बाबा ने बनाया था। अच्छा, वो वहाँ पे जो बीच नदी के बीच में लगा हुआ था वो? हाँ, वो खंजर आ जाएगा। अमावस की रात में चलेंगे, बच्चे लोग पास भेज देते हैं। ठीक है, तीनों चलेंगे, उनको छोड़ के चल के आओ। अमावस को लोग को उनके घर चलेंगे। चलो अमावस की छोड़ो, अभी से ढूंढना चालू करेंगे तो रास्ता मिल पाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अभी चलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ एक है बस, अब वो खंजर को ढूंढना, भूख का खतरा करना। ठीक है, ऐसे नहीं मारना होगा, नहीं होगा तो मार नहीं पाएंगे। कहाँ गया? बोला तो यही था, अब पता नहीं कहाँ गया। ये रहा खंजर, मिल गया, मिल गया। चलो खंजर
चल तू ले ले डनी। अरे आ जाओ मत आओ। इस फोन ने मुझे बहुत परेशान किया, इसने इसने मेरा बेटी दोस्त छीन लिया। मर।